मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर चर्चा में आए मुख्तार अब्बास नकवी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी से मिलकर बीते दिनों केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि नकवी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा। कयासों का दौर जारी है और कयासों के इस दौर के बीच में मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के साथ मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा अब मौजूद नहीं है। मोदी कैबिनेट का इकलौता मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्तार अब्बास नकवी से कई तरह के सवाल पूछे गए। इन सवालों के बीच में मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, नकवी ने एक खास बातचीत में कहा, मोदी सरकार की योजनाओं में मुस्लिमों को भागीदार बनाया गया, लेकिन राजनीति में भागीदार मुस्लिमों को क्यों नहीं बनाया गया। इस पर नकवी ने संशय की स्थिति बनाते हुए कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी कैबिनेट मुस्लिम मुक्त हो जाएगी? आप अभी से कैसे गुना भाग कर रहे हैं? नकवी ने साफ साफ कहा, मैं तो अभी आपकी कुर्सी के पद पर बैठा हूँ। 17 साल की उम्र से ही मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। आपातकाल के दौरान जेल गया, पार्टी के यूथ विंग में रहा, महासचिव प्रवक्ता रहा, उपाध्यक्ष बना, कई मंत्रालयों में मंत्री से लेकर आज अभी तक का सफ़र रहा। मेरा मानना है कि हर सफ़र सफलता के साथ हो, सहजता, संकल्प और सादगी के साथ हो, यही होना चाहिए। हम इसे ही करते रहते हैं। मुस्लिम मुक्त मोदी कैबिनेट होने के लिए तैयार है, लेकिन नकवी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम अब भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।